प्रयागराज से हम पहुंचते हैं माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने। अब जा रहे हैं भैया मंदिर, नाम मुझे पता नहीं कौन सा मंदिर का नाम है, नानी बताएगी। है जी मंदिर का नाम बताओ नानी। कहाँ जा रही हो? पार्क में जा रही घूमने। ये चल रहा है यहाँ पर मंदिर का कार्यक्रम, ये है मेन गेट। मंदिर का नाम है विंध्यवासिनी देवी। ये है मंदिर का कॉरिडोर, यहाँ पर चल रहा है काम। माता की जयकारे लगा दो भाई एक बार। जी जय। अंदर हो रही है भोले बाबा की अभी आरती, अंदर है भोलेनाथ। ये देखो कितने बड़े बड़े घंटा है मंदिर। योग माया संस्कृत, योग माया रोमानी भाषा में। योग माया शाब्दिक रूप से ब्रह्मपूर्ण शक्ति, जिसे विंध्यवासिनी, महामाया और एकान्मशा के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवी है। वैष्णव परंपरा में उन्हें नारायणी विशेषण दिया गया है और वह विष्णु की माया की शक्तियों के अवतार के रूप में कार्य करती है। बहुत तो भाई हो गए हमारे दर्शन, जय माता की। सोट डाल के देना भाई को, इसको दो पहले भाई को। चलो जी डॉक्टर साहब बताओ कैसा है भाई के सौजन्य से। और ये माता के मंदिर के पास बहुत ही मिर्च के साथ इनके टीका भी टेढ़ा जा रहा है, पता नहीं कौन सी दिशा में। ये पंडित जी का महिमा है जी इसमें। और अभी हमें कौन से मंदिर के पास बताओ। हम विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी मंदिर के पास हैं। और यहाँ खा रहे हैं हम गोलगप्पे। और यहाँ पर हो रहा है हमारा रात का भोजन रेडी। और ये पवन पवन मैनेजर है यहाँ पे हमारे, ये कहीं ना जा रहा मंदिर दर्शन करने। ये सेवा भाव से आते हैं हमेशा, अपन भी फैल जाए हर जगह। डॉक्टर रात के बज रहे हैं 1:07 और अभी पहुंचे हैं हम यहाँ पे काशी विश्वनाथ धर्मशाला, ये भी हमारी ठीक है। अब अपना सोने का इंतजाम कर रहे हैं, सुबह उठ के जाएंगे मंदिर, इसके बाद आगे का प्रोग्राम आपको बताएंगे कैसे है क्या हिसाब है। अभी हो रहे हैं सुबह के 5 और भैया हम नहा धो गए रेडी है मंदिर जाने के लिए। अभी रुके हैं हम काशी विश्वनाथ के अंदर और अभी दर्शन कराएंगे, बाकी लोग जब नहा लेंगे सारे साथ जाएंगे। इनको पिलाओ। एक क्या चाय? ये लेमन टी है भैया। देव जी। अरे भैया पियो पहले पियो। अरे इससे सर्दी खांसी नहीं होती। क्या है यो? ये इसे कहते हैं शरबत। ये मसाले की चाय है। बता दो आपको वीडियो बननी है बनाइए। बढ़िया से बनाना जी। बनाइए अपने देश में दिखाइए कम से। देश हमारा ये है। अरे 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 इससे गैस नहीं अभी कहाँ से, अभी तो आई है लेकर सामने ही ना। वैसे सही कह रही है, इतनी सर्दी खासी फिर तुम्हारे इस हालत क्यों हो रही है भैया? तो उम्र हो रहा है 70 बरस उम्र। अरे नहीं 70 उम्र ले पियो 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 पियो। काढ़ा ही काढ़ा। अच्छा तो चार दिला दो फिर मुझे। चार दिला दी है
चार तो मैं पहलू हाँ ये लगते ही दो मिनट में सारी खाल उतर जाएगी इनकी या सुबह मजबूती भी अरे धंधा तो बिना झूठ के चलता ही ना बिना झूठ के तो ब्याह भी ना होते जो बात है ज्यादा जिंदगी की शुरुआत हो आधी आधी झूठ बोल के मोदी भी चला रहा हो देश हाँ जी और ताऊ बताएंगे सच ताऊ बताओ ताऊ ना बोले झूठ नेता गिरी चलेगा ये बन रही है हमारे बैर पकौड़े गरम गरम साइड बन रही है अपनी चाय पूरी कोई सा बताओ तो भाई निकल दिए हैं अब हम बैठ के यहाँ से काशी विश्वनाथ के लिए अभी जाएंगे पहले शक्का घाट उसके बाद सारे वहाँ पे एक साथ मिलेंगे वहाँ पे करेंगे स्नान और उसके बाद चलेंगे आगे की यात्रा में जैसे उतर लिए हैं अब चल दिए हैं शक्का घाट के लिए और कैडी चीज कैडे कौन भैया का नाम चले पूरा ढूंढा मुझे भीड़ का पछेड़ा और भाग के चले पूरे दिल्ली NCR में कैडी चीज हेलो जी ये आ गई है स्टूडिया और हम उतर रहे हैं घाट की तरफ चल रहे हैं भगत जी चोड़ी मोरी का कच्चा पहन के ये देखो ये पुराना बनारस ऐसा दिखता है अभी नाव में बैठेंगे जहाज में बैठेंगे भी जहाज में नाव में ना बैठे मैं मना कर रही हूँ तो पहुंच गए हैं जी शक्का घाट ये देखो ये रहा कुछ ऐसा हिसाब किताब है पीछे का ठीक है और यह साइड का ऐसा है जी ऐसी कर दें हाँ जी अस्सी घाट क्यों प्रसिद्ध है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अस्सी घाट की उत्पत्ति तब हुई थी जब देवी दुर्गा ने एक राक्षस को मारने के बाद अपनी तलवार को गंगा नदी में फेंक दिया था वह स्थान जहां मां दुर्गा खड़ी हुई थी वहां घाट बन गया जो बाद में अस्सी घाट के नाम से जाना गया अस्सी घाट वाराणसी में महत्वपूर्ण कर्मकांड स्थल करेंगे हम गंगा स्नान उसके बाद सारे घाटों की यात्रा होगी हमारी मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में बोलो हर हर महादेव